ब्रेक के बारे एक बार फिर आप सभी का स्वागत। देवभूमि में पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। पहली बार 5% पहुंची संक्रमण की दर। नैनीताल में सबसे ज्यादा 8.02% संक्रमण दर है। एक महीने के अंदर 4.08 से 5% पहुंच गई है संक्रमण की दर। और प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने सैंपलिंग की जांच की है, सैंपलिंग बढ़ाई है। आपको बता दें अब रोजाना औसत 6000 सैंपलों की हो रही है रिपोर्ट। प्रदेश में अब तक 2.17 लाख यानी कि 2,17,000 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 11,000 पार करने वाला है संक्रमितों का आंकड़ा। पर्वतीय जिलों की तुलना में मैदानी जिलों में संक्रमण की दर ज्यादा है। तो प्रदेश में अब तक 2,17,000 सैंपल्स की जांच हो चुकी है और ऐसे में 11,000 को पार करने वाला है संक्रमित मामलों का आंकड़ा। तेजी के साथ ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ते मामले कहीं ना कहीं सरकार के लिए, इस प्रशासन के लिए चिंता का सबब हो रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में देवभूमि के अंदर लगातार बढ़ते मामले एक बड़ी चुनौती होती जा रही है। तो उत्तराखंड में जिलेवार संक्रमण की दर क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल इस वक्त नैनीताल में 20,073 मामले सामने आए और संक्रमण की दर 8.02 है। हरिद्वार में 35,898 मामले सामने आए, सैंपल्स की जांच हुई है, माफी चाहेंगे, और इसमें 7.16 संक्रमण दर है। इसके अलावा उधम सिंह नगर में 31,088 जांच की गई जिसमें 6.38% पॉजिटिव पाए गए। देहरादून में 42,087 जांचें हुई हैं जिसमें 5.31% यहां पर पॉजिटिव निकले। टिहरी की बात करें तो 13,001 सैंपल जांचे गए, 5.03% पॉजिटिव है। उत्तरकाशी में 9,314 जांचे गए, 3.87% संक्रमण दर रही। बागेश्वर में 5,951 जांचे गए, 2.82% यहां पर पॉजिटिव रहे। अल्मोड़ा में 13,721 सैंपल्स जांचे गए, 2.67% की दर से संक्रमित मिले। पिथौरागढ़ में 8,688 पॉजिटिव यहां पर जांचे गए जिसमें 2.42% पॉजिटिव रहे। इसके बाद पौड़ी की बात करें, पौड़ी में 13,535 जांचें की गई, 2.14% पॉजिटिव रहे। चंपावत में 8,954 जांचे गए, 1.94% पॉजिटिव रहे। चमोली में 8,341 जांचे गए जिसमें 1.86% पॉजिटिव रहे। और अब बात करें रुद्रप्रयाग की तो 7,133 यहां पर जांचे हुई जिसमें 1.51% पॉजिटिव रहे, यानी कि सबसे कम जो रहे हैं वो 1.51% की दर रुद्रप्रयाग में रही है। और सबसे ज्यादा अगर देखें तो नैनीताल में 8.02% की संक्रमण दर देखी गई है। तो सबसे ज्यादा संक्रमित दर जो है वो नैनीताल में सामने आई है, यानी कि लगातार बढ़ते मामले और सरकार के लिए चिंता का विषय। तो प्रदेश में अब तक लगभग 2,17,000 सैंपल्स की जांच की गई, 11,000 को पार करने वाला है संक्रमितों का आंकड़ा। और बढ़ता आंकड़ा कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल, बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। तो देवभूमि में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। कुल अब तक अगर देखें 2,17,784 मामले जांचे गए और 5% की संक्रमण दर यहां पर है। तेजी के साथ संक्रमण दर बढ़ना यानी कि सरकार को यह संकेत देना कि अभी जो नियंत्रण के प्रयास हैं वो नाकाफी हैं या फिर ग्राउंड पर नियंत्रण नहीं है। तो अब रोजाना औसत 6,000 सैंपल्स की जांच की जाती है जिसमें रिपोर्ट्स आने पर 5% की दर से यहां पर पॉजिटिव केस मिलते हैं। तो 11,000 पार करने वाला है संक्रमित मामलों का आंकड़ा। तो एक महीने के अंदर 4.08% से 5% पर पहुंची संक्रमण दर। ऐसे में इस संक्रमण की दर बढ़ना सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है कि सरकार की जो कोशिशें हैं वो शायद कोशिशें नाकाफी हैं, नियंत्रण की कोशिशें नाकाफी हैं और उसको और सख्ती के साथ ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो 11,000 पार करने वाला है संक्रमित मामलों का आंकड़ा। लगातार बढ़ता आंकड़ा सरकार प्रशासन के लिए तमाम सवाल भी लेकर आ रहा है, लोगों के लिए चुनौतियां भी बढ़ा रहा है। पर्वतीय इलाकों में फिर भी कम देखे जा रहे हैं संक्रमित मरीज, लेकिन मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा यहां पर असर है। तो एक महीने में 4.08 से 5% हुआ संक्रमण और ऐसे में तेजी से बढ़ता संक्रमण। रोजाना अगर देखें तो 6,000 से 6,500 सैंपल्स की जांच की जाती है जिसमें लगभग 5% अभी पॉजिटिव केस मिल रहे हैं।
तो पर्वतीय जिलों की तुलना में मैदानी जिलों में संक्रमण का जो रफ्तार है, जो दर है वो ज्यादा है। देवभूमि में पैर पसार रहा कोरोना वायरस लगभग 11,000 का आंकड़ा पार करने जा रहा है। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा सीधे जुड़ गए हैं। फहीम, अगर देखें सीधे तौर पर देहरादून हो गया, नैनीताल हो गया, ये तमाम वो इलाके हैं जो कि पर्वतीय क्षेत्र से हटकर हैं, मैदानी क्षेत्रों की तरफ आते हैं, घाटियां हैं, और ऐसे में देखें यहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण देखा जा रहा है। लगभग देहरादून की बात करें तो 5.31% की संक्रमण दर है, नैनीताल की बात करें वहां पर तो 8% से ज्यादा है। किस तरीके के कंट्रोलिंग के प्रयास हैं जो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं और उनका असर देखिए? लगता है फहीम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता रहे संक्रमण दर इस वक्त नैनीताल में सबसे ज्यादा है, 20,073 सैंपल्स की जांच हुई जिसमें 8.02 पॉजिटिव पाए गए। देहरादून में 42,087 सैंपल्स जांचे गए, 5.31 पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा बात करें अल्मोड़ा की तो वहां पर 13,721 सैंपल्स की जांच की गई, 2.767 संक्रमण दर यहां पर रही। चमोली के अंदर 8,341 सैंपल जांचे गए जहां पर भी संक्रमण दर 2% से कम रही। तो ऐसे में सबसे कम संक्रमण दर रुद्रप्रयाग में तो सबसे ज्यादा नैनीताल में देखी गई है। तो फहीम तन्हा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, मेरा सवाल यह है कि लगातार यहां पर उत्तराखंड में देखे तो कोरोना फैल रहा है और जो तमाम नियंत्रण के प्रयास हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। देखिए, कोरोना से नियंत्रण के जो प्रयास है वो नियंत्रण उस तरीके से तो नहीं हो पा रहा, यानी कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जो प्रयास है सरकार के वो तो उस तरीके से नहीं सफल कहे जा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है, इसको इस तरीके से जरूर कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी संक्रमण है अभी तक उस तरफ कोरोना का जो फैलाव है, जो विस्तार है, वो अभी नहीं कहा जा सकता है। यानी अभी तक जितने भी कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं तो उनमें बड़ी तादाद ऐसी है कि जो एक दूसरे के संक्रमण से हैं और उनका ट्रेस हो पा रहे हैं। हालांकि काफी तादाद इतनी भी ऐसी भी है कि जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और जिनका कोई संपर्क का नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन उसमें ये माना जा रहा है, जो विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य विभाग ये मान करके चल रहा है तुषार, की वो भले ही लोगों को नहीं पता चल पा रहा है कि वो कहाँ संक्रमित हुए, यानी किसी न किसी लापरवाही और चूक के कारण वो किसी के संपर्क में आए जरूर है। और यही वजह है कि जो कोरोना संक्रमण की जो प्रतिदिन की जो तादाद है तुषार, वो एक बड़ी तादाद है और ये बड़ी तादाद रोज सामने आ रही है। जिस तरीके से कल भी देखिए, कल भी 400 से ऊपर के करीब केसेज आए हैं और आज भी कई नई नई जगहों पर पॉजिटिव केसेज की अभी तक सूचना है। हालांकि आधिकारिक बुलेटिन देर शाम को जारी होता है और इस तरीके से सरकार के जो नियंत्रण के प्रयास हैं उनमें सरकार के अपने दावे जरूर हैं स्वास्थ्य विभाग के, और मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं। और एक अच्छी बात कही जा सकती है उत्तराखंड के लिहाज से, ये राहत की बात है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार कोविड संक्रमण को लेकर के समीक्षा कर रहे हैं और वो निर्देश भी दे रहे हैं। देर शाम को भी मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि कोरोना संक्रमण को लेकर के किसी भी स्तर पर लापरवाही या चूक प्रशासनिक स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं ये थोड़ी सी चिंता की बात है और एहतियात और सावधानियों को लेकर के जाहिर सी बात है। फहीम, अगर देखिए विदाउट ट्रेवल हिस्ट्री वाले पेशेंट्स भी सामने आना है, क्या ये एक तरीके का सूचक है कि कम्युनिटी ट्रांसफर है? हालांकि इस बात को कबूलना बड़ा मुश्किल होता है प्रशासन के लिए, लेकिन फिर भी बिना ट्रेवल हिस्ट्री वाले पेशेंट्स का सामने आना ये किस तरफ संकेत करता है? देखिए, बिल्कुल, ये बिना ट्रेवल हिस्ट्री के जो केसेस आ रहे हैं इसको दो तरीके से देखा जा रहा है। एक तो ये कि पिछले दिनों भी श्री जी बात आई, जो दूसरे राज्यों से लोग आए हैं तो बहुत लोग उसमें बॉर्डर पर उनकी जो निगरानी है या जो उनकी टेस्टिंग है उसमें लापरवाही की बात सामने आई थी। तो एक तो ये कि क्या कुछ ऐसे लोग संक्रमित भी प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं, और क्योंकि वो अगर चूक के चलते उनकी कहीं टेस्टिंग नहीं हो रही है या फिर वो आज बनवा करके आ रहे हैं, दो दिन तीन दिन और निकल जा रहे हैं, तो क्या फिर उनकी ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है कि अगर उनमें से कुछ संक्रमित हैं और वो लोगों के संपर्क में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरे लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं वो ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए फहीम तन्हा, एक और खबर पर हम आपसे बातचीत करेंगे।
और इसी बीच ऋषिकेश से खबर है कि एम्स में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25 मरीज मिले। संक्रमण के अलावा अन्य बीमारियों से ग्रसित थे ये मरीज और मृतकों में एक एक मरीज देहरादून, उधम सिंह नगर, ऋषिकेश के हरिद्वार के 3 मरीजों ने संक्रमण से दम तोड़ा है, तो एम्स के जनसंपर्क अधिकारी ने यह जानकारी दी। संजय शर्मा ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, एम्स के हवाले से क्या खबर मिल रही है हमें 5 मौतों को लेकर? हाँ जी, हाँ, एम्स में अभी 5 लोग जो मृत्यु हुई थी, जिसमें कि सारे बाहर के थे और वो जो लोग बाहर से आए हुए थे वो सब किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, जिसकी वजह से उनको ज्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से वो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि यहाँ पर जितने भी लोगों की मृत्यु हो रही है वो सभी गंभीर रोगों से ग्रसित थे, जिसके वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे और उनकी मृत्यु हो जा रही थी। इसी वजह से यहाँ पर जो एम्स में जितने भी लोकल लोग हैं उनमें भी कुछ लोग कोरोना से ग्रसित हैं, लेकिन वो मृत्यु किसी की नहीं हो पाई। और जो लोग यहाँ है वो ज्यादातर एम्स में काम करने वाले लोग हैं या जो एम्स के से टच में है, जो एम्स में आना जाना जिनका है, वही लोग ज्यादातर उसमें कोरोना के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बिल्कुल, फहीम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, जिस तरीके से 5 मौतों का मामला ये सामने आया, 25 से ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव भी हैं, ये लगातार मौतों का आंकड़ा भी सरकार के लिए मुश्किल पैदा करेगा? बिल्कुल, देखिए ये फिक्र की बात है कि संक्रमण से मौतें भी हो रही हैं और मौतें संक्रमण का जितना भयावह रूप मौतों के रूप में है वो सबसे अंतिम एक रूप है और एक भयावह है। लेकिन इसमें जैसे संजय ने बताया इस बात को, और जितनी भी अभी तक मौतें हुई हैं अगर उसमें हम एक दो केसेस को छोड़ दें तुषार, तो उनमें ज्यादातर ऐसे वो लोग हैं जो दूसरी बीमारियों से पीड़ित रहे, और एक बड़ी तादाद ऐसी भी है इन मौतों में तुषार जो पहले से दूसरे बीमारियों का इलाज अस्पताल में करा रहे थे और उनकी कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाया गया और उनके बाद उनकी डेथ हुई है। जाहिर सी बात है कि इस रूप में या इस तरीके से इस पहलू को अगर देखते हैं कि इम्यूनिटी की जहां तक बात आती है कोरोना में, कि जिनकी इम्यूनिटी कम वो कमजोर होती है। ठीक है, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास बातचीत कर